एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल एंड माय सेल्फ हनी। तो आप लोगों के हाईली डिमांड पे मैं फिर से फेशियल के सारे स्ट्रोक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको इजी हो फेशियल करने में। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जोविस ब्राइडल ब्राइटनिंग फेशियल किट, जो बहुत ही अच्छा फेशियल है और बहुत ही इफेक्टिव है। ब्राइडल के लिए क्या कोई भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। या आप फेशियल किट कोई भी ब्रांड का यूज़ करो, बट जो स्ट्रोक्स होते हैं ना वो प्रॉपर होने चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करूंगी जो आप नज़रअंदाज करते हो फेशियल करते टाइम। तो सबसे फर्स्ट है कि आप कभी भी फेशियल करो तो जो क्रीम होता है उसे पानी के हाथ से बिल्कुल टच मत करो। तो कुछ स्पैचुला या फिर चम्मच की हेल्प से आप उसे बाहर निकालो और फिर उसके बाद ही फेशियल करो। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्लिंजर का। आप कोई भी ब्रांड का फेशियल किट क्यों ना यूज़ करो, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्लिंजर। और क्लिंजर इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे स्किन पे जितने भी पॉल्यूशन हो या फिर जितनी भी गंदगी हो वो अच्छे से निकल जाए बाहर। और आप इसे कभी भी पानी या फिर आप रोज़ वाटर के साथ ही अप्लाई करो फेस पे और मसाज करो, क्योंकि ये से एकदम पानी पानी जैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपके स्किन से इसे गंदगी निकालना है ना, तो कभी भी ड्राई ना रहने दें अपने फेस को, डायरेक्ट ना इसे मसाज करें। आपने अच्छे से अच्छे क्वांटिटी में पानी लेने हैं या फिर रोज़ वाटर लेने हैं और फेस को मसाज देना है। मैं यहाँ ब्राइडल के लिए सोच रही हूँ तो मैं इसमें ज़रूर से ज़रूर रोज़ वाटर का ही यूज़ करूँगी। और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो रोज़ वाटर ही यूज़ करो। आप चाहो तो पानी से भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रोज़ वाटर से ज़्यादा ग्लो आता है। और मसाज कैसे करने हैं, ये सारे स्ट्रोक्स मेरे देखो आप कि मैं किस तरीके से मसाज दे रही हूँ। ये सारे जो भी मैंने इसमें स्ट्रोक्स यूज़ कर रही हूँ वो सारे आपके यूथफुल स्किन के लिए है। जो प्री मेच्योर स्किन हो जाते हैं और फाइन लाइन रिंकल्स आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। और हाँ, इससे आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आएगा अगर आप प्रॉपर स्ट्रोक्स देते हो तो। मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है और ना ही कोई कट किए हैं, क्योंकि आपकी हाईली यही डिमांड थी कि बिल्कुल फुल वीडियो दिखाइए मैम, जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं वो सारे दिखाइए। तो मैंने सारे स्ट्रोक्स दिखाए हैं और भी कई सारे स्ट्रोक्स होते हैं, बट मैंने इन पे जितने भी स्ट्रोक्स किए हैं वो मैंने स्ट्रोक्स दिखाए हैं आपको, और मैंने कोई कट नहीं किया है वीडियो को। तो 2 से 3 मिनट तक यूं ही मसाज देना है अपने फेस को, और मसाज करने के बाद आपने वाइप आउट कर लेना है। और फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलना। तो क्लिंजर यूज़ करने के बाद सेकेंड स्टेप है यहाँ पर स्क्रब का। तो मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए, पूरे फेस पे स्क्रब को अप्लाई कर लेना है, यहाँ तक आईज पे भी स्क्रब को अप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है, हमें कोई स्क्रब नहीं देना। मतलब हम जब मसाज करेंगे ना तो वहाँ पे मसाज नहीं देना स्क्रब से आईज पे, बट जो स्क्रब की बेनिफिट हो, जैसे वो डेड सेल रिमूव करती है, तो हम सिर्फ अप्लाई करेंगे आईज पे भी। अब फिर से अच्छे क्वांटिटी में पानी ले लीजिए या फिर रोज़ वाटर ले लीजिए। फिर मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ही का यूज़ कर रही हूँ। तो पूरे फेस पे आपने अपने फिंगर टिप से, बिल्कुल टिप से आपने स्क्रब करने हैं। कभी भी अपने पाम का यूज़ नहीं करना है स्क्रब करते टाइम। स्क्रब इसलिए नेसेसरी है, इसे हमें वीक में 2 बार तो करना ही चाहिए। अगर हम फेशियल नहीं करा रहे, क्लीनअप नहीं करा रहे, तो घर पे 2 बार स्क्रब तो करना ही चाहिए। अपने फेस पे स्टीम तो लेना ही चाहिए वीक में 2 बार। तो आपने क्या करना है, स्क्रब से अपने फेस को हल्के बिल्कुल जेंटल मसाज देना है, जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से दे रही हूँ। और ज़्यादा ज़्यादा आपने अपने नोज़ पे और चिन पे ध्यान देना है जब भी आप स्क्रब करते हो, क्योंकि जो हमारे चिन होते हैं ना वहाँ पे वाइट हेड ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे नोज़ पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके होते हैं, बट मुझे लगता है 70% लोगों के ये वाइट हेड ब्लैक हेड की जो भी कंसर्न है वो होती ही होती है। तो स्क्रब जब हम करते हैं ना, तो ये जो व्हाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम इसे अच्छे तरीके से जब बाहर निकालते हैं, बहुत सारे जो भी मैं आगे आपको स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इसे अच्छे तरीके से बाहर निकालते हैं, तो फिर ये अच्छे से निकल जाता है। इसलिए आपको अपने स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करना है, तो स्क्रब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
हमारा लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है, बाहर इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, डर्ट है, जो हमारे स्किन को डैमेज करती है, जिससे हमारे डेड सेल हो जाते हैं, और उसे निकालने के लिए हमें स्क्रब करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे स्क्रब कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से नोज़ पे और चिन पे ध्यान देते हुए करेंगे स्क्रब, और स्ट्रोक्स आप देख लो कि किस तरीके से करना है। तो नेक, फेस और ईयर को अच्छे से स्क्रब करने के बाद हमें लेना है स्टीम। स्टीम के लिए आप कर सकते हो गरम पानी और उसमें टॉवल डालकर, और फिर टॉवल को अच्छे से निचोड़ कर अपने फेस पे स्क्रब, उससे टॉवल को पूरी तरीके से अपने फेस को ढक कर ले सकते हो, या फिर आप इस टाइप का स्टीमर ले सकते हो जो बहुत ही सस्ते रेंज में आ जाता है, और आप हमेशा इसे अपने हेयर के लिए और अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हो। काफ़ी पोर्टेबल है, आराम से इसे आप रख सकते हो। स्टीम लेने से आपके जितने भी पोर्स होते हैं ना, वो खुल जाते हैं, और अच्छे तरीके से स्टीम लेने से वो सारे गंदगी बाहर निकल जाती है, और जो आपके वाइट हेड ब्लैक हेड हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप इस टाइप के पिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैं ये स्क्रबर यूज़ कर सक रही हूँ वही स्क्रबर आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप पिन भी ऐसा ले सकते हो, पिन भी काफ़ी बेस्ट है, उससे भी अच्छे तरीके से आप सारे वाइट हेड ब्लैक हेड निकाल सकते हो। किस तरीके से पिन यूज़ करना है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आपने किस तरीके से पिन से पूरे नोज़ और चिन को क्लीन कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रबर का यूज़ कर रही हूँ। ये स्किन स्क्रबर से पेन नहीं होता है ज़्यादा, और फिर ये जो भी ब्लैक हेड होते हैं ना वो बहुत आराम से निकल जाता है, और वाइट हेड तो निकल ही जाते हैं इजली, बट जो ब्लैक हेड होते हैं ना उन्हें पिन से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इससे ये ब्लैक हेड भी निकल जाता है और आपके स्किन को ये काफ़ी क्लीन कर देता है। और इसे कैसे यूज़ करना है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के लिंक शेयर किए हैं जहाँ पे मैंने इसे यूज़ करके दिखाया है। इसके बहुत सारे मोड होते हैं जो मैंने बताया है, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से। तो पिन को भी आपने इसी तरीके से यूज़ करना है। आपके पास अगर पिन भी नहीं है तो आप क्या करो कि टॉवल होता है, टॉवल को अच्छे से निचोड़ लो, और फिर टॉवल से ही बहुत अच्छे से थोड़ा सा रब करो, हल्का सा, जब क्योंकि आपने स्टीम लिया हुआ है तो आप हल्का सा टॉवल से भी स्क्रब करोगे ना अपने नोज़ पे और चिन पे, तो भी वो वाइट हेड अच्छे से निकल जाते हैं बाहर। तो किसी किसी के फेस पे भी वाइट हेड होते हैं, आपने देखा होगा वो बिल्कुल चावल की तरह से निकलता है फेस में से भी, तो आप इसे पूरे फेस पे भी इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप पिन है तो जहाँ जहाँ आपके सिर्फ वाइट से हैं उसके पास सिर्फ आपने पिन को यूज़ करना है बस। अपनी नेल का यूज़ कभी नहीं करें अपने फेस पे, अपने फेस के जितने भी पिंपल्स हो, एक्ने हो, कभी भी नेल का यूज़ ना करें उसे फोड़ने के लिए या हटाने के लिए। फिर से अपने पूरे फेस को आपने क्लीन अप कर लेना है, वाइप आउट कर लेना है। अब इसमें मसाज करने की बारी है, तो ये मसाज क्रीम है जॉविस का। तो पूरे फेस पे क्रीम को अप्लाई कर लेंगे, आप देख सकते हैं पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पहले। फिर थोड़ा सा रोज़ वाटर लेंगे, और फिर अपने हाथों को चलाने में इजी होता है इसलिए थोड़ा सा रोज़ वाटर ले रही हूँ, और मसाज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेक से स्टार्ट करेंगे, नेक से चिन पे आना है, चिन के बाद आपके चिक पे आना, फिर नोज़ एंड फिर फोरहेड। तो इस तरीके से मसाज स्टार्ट करेंगे, और स्ट्रोक्स आप देखते जाओ कि किस तरीके से मैं स्ट्रोक्स ले रही हूँ, किस तरीके से मसाज कर रही हूँ। इस फेशियल किट में 5 स्टेप्स दिए हैं, किसी में 6 स्टेप भी होते हैं, किसी में 7 स्टेप भी होते हैं, किसी में 10 स्टेप भी होते हैं। तो स्टेप्स भले ही अलग अलग हों बट स्ट्रोक्स आपने इस तरीके से ही यूज़ करना है। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक्स है जो आपके फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ब्यूटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो। एक और गुड न्यूज़ है फ्रेंड, ब्यूटी कोर्सेज तो अब कंप्लीट ही हो चुके हैं लगभग आप सबके, बट अब मेकअप क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको मेकअप क्लासेस भी देखने को मिलेंगे, जो एडवांस मेकअप क्लासेस होंगे, और आपको फुल डिटेल मिलेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप इस चैनल पे जाकर ये सब कुछ देख सकते हो, मेकअप को भी आप बहुत डीपली सीख सकते हो। तो ज़रूर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है आगे।
तो फेशियल आपको मंथ में एक बार लेना चाहिए। और हाँ, आप जब टीनेजर्स में हो तो आपने सिर्फ क्लीनअप लेना चाहिए। क्लीनअप में आप इसे स्किप कर सकते हो मसाज को, बाकी आप सारे स्टेप्स ले सकते हो क्लीनअप में, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे टीनेजर्स हैं वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए दीदी, आप फेशियल किट में कैसे कर रहे हो, किस तरीके से मैं फेशियल किट से कैसे क्लीनअप करूँ। तो आप फेशियल किट से भी क्लीनअप कर सकते हो, बस आपको जो जो बड़े स्टेप हैं, जैसे ये मसाज का स्टेप है, वो आपको फॉलो नहीं करना है। बाकी आप क्लिंजर यूज़ कर लो, स्क्रब यूज़ कर लो, और उसके बाद डायरेक्ट अपने फेस पे फेस पैक यूज़ कर लो। स्टीम लेना है अगर आपके ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स है, या फिर आपके वाइट हेड ब्लैक हेड है, तो आप स्टीम भी ले सकते हो। मैं इतना बड़ा वीडियो करती नहीं हूँ क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं इसे थोड़े स्पीड में दिखा देती हूँ। बट ये जो वीडियो है इसे मैंने कोई भी स्पीड में नहीं करके दिखाया है, क्योंकि ये आपकी डिमांड है। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो इग्नोर करो अगर आप बोर हो रहे हो तो। बट पता है, जो भी मसाज ले रहा होता है ना, उसको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। उसे तो ऐसा लगता है कि ये होता ही रहे, कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि काफ़ी रिलैक्समेंट फील होता है जब कोई आप पे मसाज करता है तो। अब जो ये सारे स्ट्रोक्स हैं ना, वो रिलैक्सिंग वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्समेंट फील हो। जो आईज़ होते हैं हमारे, जितने भी फेस के जो पॉइंट होते हैं ना, प्रेशर पॉइंट, वो सारे प्रेशर पॉइंट को मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर रही हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट फील होता है। अब ये फेस को अपलिफ्ट करने वाले स्ट्रोक्स हैं, इससे हमारा फेस जो होता है अपलिफ्ट होता है। मान लो कि हमारा फेस जब बहुत ज़्यादा एज हो जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के तो प्री मेच्योर में ही बहुत ज़्यादा फाइन लाइन या रिंकल्स आने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें इस तरीके से अपलिफ्ट करने चाहिए अपने स्किन को। आप या तो ऑयल यूज़ करके अपने फेस पे अपलिफ्ट कीजिए अपने फेस को, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। ये जो मैं कर रही हूँ, इससे फेस पे वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। जब तक पूरा क्रीम एब्जॉर्ब ना हो जाए हमारे स्किन पे, तब तक मसाज देना चाहिए। जब डीपली पूरी तरीके से क्रीम एब्जॉर्ब हो जाता है, तब हमें यहाँ पे इसका जो स्टेप है वो है फेस मास्क का। तो पूरे फेस पे फिर हमें फेस मास्क लगाना है। नेक और फेस पे इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए, और अपने आईज़ पे हाइड्रेट होने के लिए आपने रखना है, जिससे काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो आपने रोज़ वाटर से अच्छे से कॉटन को भिगोकर और रख देना है आईज़ पे। अब इसे जब अच्छी तरीके से ये ड्राई हो जाए, 80% ड्राई होने के बाद, आपने इसे पहले वाइप से गीला कर लेना है। जब ये अच्छे से आपका फेस गीला हो जाए, तभी आपने वाइप आउट करना है, डायरेक्ट इसे नहीं हटाना। इससे क्या होता है, हमारे स्किन पे फाइन लाइन बहुत जल्दी आती हैं, इसलिए रगड़ना नहीं है अपने फेस को। बहुत ही अच्छे से जब ये गीला हो जाए, तभी आपने वाइप आउट करना है। तो बहुत सारे ब्यूटी टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, तो उसे आप ज़रूर ध्यान में रखो जब भी आप फेशियल करो तो, और इससे आपका बेस्ट होगा फेशियल और 100% रिजल्ट आएगा। तो लास्ट स्टेप है जॉविस का क्रीम, तो उसे भी मैंने अप्लाई कर दिया है, और फ्रेंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी ग्लो आया है इनके स्किन पे। तो आप भी जरूर ट्राई करना इस तरीके से फेशियल करना, और फिर देखना कि आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं। सो टिल देन, बाय बाय।